देखिए दोस्तों, एयर ब्लोअर की तेज हवा से कार के फ्लोर जो है चकाचक क्लीन हो गया है, लेकिन डस्ट ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है क्योंकि ऊपर में यहाँ पर देखिए कपड़े का लेयर है। दोस्तों आज के ये जो वीडियो है बहुत और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम देने वाले हैं आपको एक नया ट्रिक्स जिसकी मदद से आप अपने कार के फ्लोर को वैक्यूम क्लीनर का यूज किए बिना ही वैक्यूम क्लीनर से भी ज्यादा बढ़िया तरीके से क्लीन कर सकते हैं, जो कि एकदम नया ट्रिक से यूट्यूब में आपको दूसरा कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो चैनल में नए हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को दबा दीजिए अभी और हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि ऑटोमोबाइल से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल में हम लाते रहते हैं। तो बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के दिन में कार के फ्लोर को क्लीन करने के लिए हर कोई वैक्यूम क्लीनर को परचेस करता है, और एक अच्छी क्वालिटी का वैक्यूम क्लीनर को परचेस करने के लिए लगभग 2000 से 2500 रुपए आपके जेब से खर्च होता है। लेकिन आज के इस वीडियो में स्ट्रिक्स में आपको हम दिखाएंगे वैक्यूम क्लीनर को आपको परचेस करने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको जरूरत होगा एक सिंपली एयर ब्लोअर की, जो कि आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा। पिछले 4 साल से मैं यूज कर रहा हूँ और ये मल्टीपर्पज में आप यूज कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन पर इसका लिंक दे रखे है, अगर आप चाहे तो नीचे दिए लिंक से डायरेक्टली अमेज़न से परचेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जरूरत होगा एक सिंपली शू ब्रश की, मतलब जिससे शू को पॉलिश किया जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों, आपके घर में अगर बड़ा कपड़ा है तो 2 बड़ा कपड़े का जरूरत होगा आपको। मैं यहाँ पर 2 बड़ा ग्रीन कपड़े का यूज़ कर रहा हूँ, जो कि ऑनलाइन में मिलता है, यूट्यूबर्स वीडियो शूट करने के लिए यूज करते हैं, वही कपड़ा है ये। तो दोस्तों अभी फटाफट से देख लेते हैं कार के फ्लोर को कैसे क्लीन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपके कार के दोनों साइड के चारों दरवाजे को आपको पूरी तरह से खोल देना है। के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए कार के जो फ्लोर है पूरा डस्ट से जमा हुआ है। देखिए यहाँ पर देखिए पूरा डस्ट भर गया है यहाँ पर, और इस पोर्शन में देखिए ये वाला, और यहाँ पर जो मैट है मैट के ऊपर में भी पूरी तरह से डस्ट जमा हो गया है। तो मैट के कारण दोस्तों नीचे के पोर्शन में उतना ज़्यादा डस्ट नहीं है आया है, लेकिन मैट के साइड के पोर्शन यहाँ पर देखिए, या फिर इस पोर्शन की अगर बात करें देखिए यहाँ पर पूरा पूरी तरीके से डस्ट से भर गया है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले तो फटाफट से कार के मैट को बाहर निकाल लेते हैं, ताकि कार के मैट के ऊपर में जो डस्ट है वो कार के फ्लोर पर ना पड़े। तो सबसे पहले तो फर्स्ट रो के मैट को हम निकाल लेते हैं। उसके बाद दोस्तों पैसेंजर्स रो के मैट को निकालने के लिए जो सीट है थोड़ा सामने की तरफ कर देना है ऐसे। अभी पैसेंजर्स रो के मैट को भी निकाल लेते हैं बाहर। दोनों मैट जो है दोस्तों, सबसे पहले मैट के जो यहाँ पर डस्ट है इसको अच्छी तरह से निकाल लेते हैं इससे। इसके बाद यहाँ पर रख देते हैं ये वाला मैट को भी, अभी साइड में रख देते हैं। दोस्तों अभी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे शू ब्रश की। तो शू ब्रश की मदद से कार के फ्लोर पर हो या फिर इस पोर्शन में हो जो मैल वगैरह चिपक गया है उसको निकाल लेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये जो सीट है, ड्राइवर सीट और पैसेंजर सीट, फ्रंट रो के सीट थोड़ा सामने की तरफ है, तो यहाँ पर सबसे पहले इसको पीछे की तरफ हम कर देते हैं। साथ ही साथ ये जो पैसेंजर सीट है इसको भी हम पीछे की तरफ कर देंगे। तो इससे क्या होगा, इससे आपका देखिए यहाँ पर स्पेस ज़्यादा हो गया तो क्लीन करने में आपको सुविधा होगी। तो ये रो क्लीन करने के बाद जब हम पैसेंजर्स रो को क्लीन करेंगे तब ये सीट जो फिर से हम आगे की तरफ कर देंगे। तो अभी ब्रश की मदद से देखिए दोस्तों, ये जो मैल वगैरह यहाँ पर चिपक गया है ये अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के यहाँ पर देखिए क्लीन कर लेना है सबसे पहले तो आपको इस तरह से। तो दोस्तों इस तरह से क्लीन करने से क्या होता है, जो मैल वगैरह यहाँ पर चिपक गया है वो पूरी तरह से मतलब निकल जाता है। इसके बाद एयर ब्लोअर के तेज हवा मारेंगे तो सारे मैल वगैरह जो है निकल जाएंगे। तो मैं आपको वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, सिर्फ आपको प्रोसीड्योर दिखा रहा हूँ। आपको इसी प्रोसीड्योर में पूरे कार के ऊपर में मतलब फ्लोर में करना है। उसके बाद इस पोर्शन में देखिए ये वाला जो पोर्शन है इसको यहाँ पर थोड़ा सा उठा के, मतलब आपको दोनों हाथ से करना है, मेरे एक हाथ से कैमरा को पकड़ा है इसीलिए एक हाथ से कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों फ्रंट रो के इस तरफ के जो फ्लोर है इसको भी सेम तरीके से आपको ब्रश से ऐसे क्लीन कर देना है। देखिए यहाँ पर जो मैल वगैरह लगा हुआ है इसको हम निकाल लेते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से सबसे पहले तो आपको ब्रश से क्लीन कर लेना है। देखिए ये जो मैल वगैरह है ये यहाँ से मतलब जो चिपका हुआ था वो निकल गया। देखिए तो इसी तरीके से आप
आपके फ्रंट रो के फ्लोर के साथ साथ आपके पीछे के पैसेंजर्स रो के जो फ्लोर है उसको भी सेम तरीके से ही सबसे पहले ब्रश से क्लीन कर लेना है। लेकिन इस वीडियो में मैं नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो अगर दिखाने जाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों अभी यूज़ करना है जो दो कपड़ा है कपड़े का, तो कपड़े का इस्तेमाल यहाँ पर इसीलिए आपको करना है जब आप ब्लोअर को मतलब तेज़ हवा को यहाँ पर फ्लोर के ऊपर मतलब तेज़ हवा लगाएंगे मारेंगे तो तब जो डस्ट है तेज़ हवा की वजह से डस्ट जो है ऊपर की तरफ आ जाएगा, जिससे आपके फ्लोर तो क्लीन होगा उसके साथ साथ आपके डैशबोर्ड जो है डैशबोर्ड पूरी तरह से गंदा हो जाएगा। इसी के कारण ये जो कपड़ा है कपड़े की मदद से ऊपर में एक लेयर जैसे कर देना है ताकि जो डस्ट वगैरह है वो ब्लोअर मारने से वहाँ से निकलने के बाद ऊपर की तरफ ना आए। तो यहाँ पर कपड़ा जो है दोस्तों यहाँ पर आपको ऐसे इस तरह से लगा देना है। उसके बाद दोस्तों ये वाला जो हिस्सा है आपके ग्लोव बॉक्स को आप खोल लीजिए इस तरह में ऐसे इस तरह से करके ग्लोव बॉक्स को लगा दीजिए। देखिए उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है इस साइड से देखिए इस पोर्शन को इस तरह में इस तरह से यहाँ पर जो सीट्स वगैरह है सीट्स वगैरह में इस तरह में ऐसे कर दीजिए इस तरह में। देखिए दोस्तों इस तरह में कपड़े को इस साइड से देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरा एक छोटा सा बॉक्स दिया हुआ है इसके अंदर में लगा देता हूँ। आपके गाड़ी में जहाँ पर आप लगा सकते हैं आप लगाइए, इस तरह से बॉक्स पर लगा दिया देखिए। और उसके बाद इस साइड के जो पोर्शन है देखिए इस साइड के पोर्शन को यहाँ पर हाइट एडजस्टमेंट का जो स्विच है स्विच के अंदर में ऐसे लगा देते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए कपड़े को यहाँ पर लगा देने से ऊपर के साथ नीचे का पोर्शन सेपरेट हो गया है। यहाँ पर इसको अच्छी तरह से और भी थोड़ा सा अटका देते हैं। तो देखिए इससे क्या होगा दोस्तों अभी एयर ब्लोअर का तेज़ हवा को हम इस नीचे डस्ट के ऊपर में मारेंगे तो ये डस्ट जो है ऊपर में ये डैशबोर्ड हो या फिर सीट्स वगैरह के ऊपर में नहीं लगेगा क्योंकि वो इस कपड़े में अटक जाएगा। ड्राइवर सीट के रो में कपड़े लगाने के साथ साथ यहाँ पर भी हमने कपड़े को पहले से लगा के रखे हैं क्योंकि यहाँ पर भी लगा के आपको दिखाने जाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आपको मतलब आपके गाड़ी के अंदर में आपको अपने सुविधा अनुसार कपड़ा जो है उसको लगाना है ताकि पूरी तरह से कवर हो जाए नीचे के पोर्शन से ऊपर का जो पोर्शन है मतलब सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पर एयर ब्लोअर के हवा मारने से पहले ही आपको ये वाला कपड़ा और पीछे के इस साइड में ये वाला कपड़ा को लगा देना है ताकि यहाँ पर जब ब्लोअर की हवा मारेंगे तो डस्ट वगैरह जो है ऊपर की तरफ इस तरफ से नहीं जाएगा लेकिन यहाँ पर अगर कपड़ा नहीं रहेगा तो नीचे के इस साइड से इधर से आपके इंटीरियर के अंदर डस्ट जो है मतलब एयर ब्लोअर की तेज़ हवा की वजह से चला जाएगा। अभी हम एयर ब्लोअर से नीचे की तरफ फ्लोर में एयर ब्लोअर का तेज़ हवा मारेंगे लेकिन उससे पहले मास्क आपको पहन लेना है नहीं तो अदरवाइज़ क्या होगा आपको डस्ट एलर्जी हो सकता है और हो सके तो आप आँख में चश्मा भी मतलब ग्लास भी लगा सकते हैं ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों और एक बात इस प्रोसीड्यूर में आपको मतलब क्लीन मतलब एयर ब्लोअर मारने से पहले चारों के चारों जो विंडो के ग्लास है ग्लास को आपको खोल देना है ताकि थोड़ा बहुत जो डस्ट ऊपर भी आए वो इस विंडो से निकल जाए बाहर की तरफ। तो चलिए अभी एयर ब्लोअर को मारते हैं देखिए। ये एयर ब्लोअर मार रहा हूँ लेकिन जो डस्ट है डस्ट वगैरह देखिए ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है क्योंकि यहाँ पर कपड़े का लेयर है देखिए। तो देख लिया आपने किस तरह से हमारे जो मतलब फ्लोर है पूरी तरह से क्लीन हो गया है देखिए। अभी देख लीजिए पूरा फ्लोर जो है चकाचक क्लीन हो गया है पड़ा है उसको हम निकल लेते हैं हाथ से ही देखिए। लेकिन ओवरऑल जो देखिए क्लीनिंगनेस है वो एक वैक्यूम क्लीनर की मदद से आप इतनी अच्छी तरह से क्लीन नहीं कर सकते। इसी तरह आपको फ्रंट सीट जो है इसको आगे की तरफ करना है और पीछे में सेम तरीके से आपको क्लीन करना है। और साथ ही साथ दोस्तों कार के जो मैट है मैट को आपको एक कपड़े से अच्छी तरीके से आपको क्लीन कर लेना है जितने भी सारे डस्ट वगैरह मैट के ऊपर में लगा है सारे के सारे क्लीन हो जाए उसके बाद ही आपको वापस से जो है कार के अंदर में मैट को वापस से डालना है नहीं तो फिर से इस डस्ट लगा मैट को डालेंगे तो डस्ट क्लीन करने के बाद फिर से आपके कार के जो फ्लोर है वो गंदा हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले ताकि उनको वैक्यूम क्लीनर खरीदने का आज से ज़रूरत ना पड़े।
और चैनल में नए हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि ऑटोमोबाइल से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस चैनल में हम लाते रहते हैं। तो मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।